नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पर आपका स्वागत है। रम्या रामायणी कथा सुना रहा हूं। रुधिर क्लिन्न गात्रस्तु लक्ष्मणः शुभ लक्षणः बभूव हृष्टस्तम हत्वा शक्र जेतार महाहवे। लक्ष्मण ने इंद्रजीत का संहार कर दिया है और इस कार्य को करके लक्ष्मण को अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हुआ है। देखिए, जिस कार्य के लिए वो निकले थे वो कार्य पूर्ण कर पाए, और ये कोई सामान्य कार्य नहीं था। ये वही मेघनाद है जिसने इंद्र वगैरह देवताओं को तो पराजित किया था, लेकिन राम लक्ष्मण को भी तीन तीन बार वो कभी नागपाश से बांध दिया, कभी ब्रह्मास्त्र से मोहित कर दिया, कभी अदृश्य रह के बाणों की वर्षा से उनको, तो तीन तीन बार इनको एक तरह से पराजय का आनंद देने वाला था वो मेघनाद। स्पष्ट पराजय नहीं है, लेकिन राम और लक्ष्मण मेघनाद के सामने तीन तीन बार बिल्कुल पराजित प्राय हुए थे। तो आज उस मेघनाद को मारने के बाद लक्ष्मण को अत्यंत आनंद हुआ है, लेकिन मेघनाद मरा, लक्ष्मण भी बहुत अधिक घायल हो गए। वो भी खड़े हो पाए, चल पाए, ऐसी स्थिति उनकी भी नहीं रह गई है। देखिए, जब आप किसी कार्य में लगे होते हैं, योद्धा जब युद्ध कर रहा होता है उस समय तो वो उत्साह में होता है, लेकिन मेघनाद की मृत्यु के बाद फिर वो जो अपने घाव हैं लक्ष्मण को, उनका एहसास इसके बाद हुआ। जैसा कई बार वर्णनों में पाया जाता है, साक्षात आंखों से तो कभी नहीं देखने को मिला, कि कबंध यानी जिसका सिर कट गया हो, ऐसा योद्धा का धड़ जो है वो तलवार लेके बहुतों के साथ लड़ता रहता, इस प्रकार की कथाएं सुनी। तो यहां लक्ष्मण को अभी तक तो अपनी पीड़ा का एहसास ही नहीं था, लेकिन मेघनाद के मरने के बाद लक्ष्मण की वो पीड़ा जैसे कि एकदम से, ततः सा जामवंतम चा हनुमंतम च वीरवान, तब वो लक्ष्मण जामवंत और हनुमान जी का आश्रय लेकर के, उनका सहारा लेके, आज गाम ततस्ति ब्रह्म यत्र सुग्रीव राघव, जल्दी से वहां के पहुंचे हैं जहां राम और सुग्रीव विद्यमान है। विभीषणम अवष्टभ्य हनुमंतम च लक्ष्मण, वहां राम के पास पहुंच करके लक्ष्मण जो है राम का अभिवादन करते हैं। राम निष्ठनन्यव चागम्य राघवाय महात्मने आच चक्षे ततो वीर घोर इंद्रजीतो वध, सभी वानरों ने, सभी सेनापतियों ने राम को यह समाचार सुनाया है कि किस प्रकार से लक्ष्मण ने उस प्रतापी मेघनाद का वध किया है। रावणेस्तु शिरश्छिन्नम लक्ष्मणेन महात्मना न्यवेद्यत रामाय तदा हृष्टो विभीषण, और किस प्रकार से लक्ष्मण ने उस मेघनाद का सिर काट दिया है, ये पूरी कथा विभीषण सुनाते हैं। श्रुत्वै तत्त महावीर्यो लक्ष्मणेन इंद्रजित वधम प्रहसमतुलम लेभे रामो वाक्यमुवाच, ऐसे में राम लक्ष्मण के इस पराक्रम को सुन के अत्यंत प्रसन्न हुए हैं, जैसे कोई पुत्र कोई महान कार्य करे और पिता को आनंद की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से लक्ष्मण के इन कार्यों से राम को अत्यंत आनंद हो रहा है। ये पूरा सर्ग महर्षि वाल्मीकि ने राम और लक्ष्मण के प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए लिखा है, मैं स्पष्ट ये देख पाता हूँ। मैंने पहले भी किसी वीडियो में ये कहा था कि राम और सीता पति पत्नी के रूप में थे, 14 वर्ष वनवास में रहे तब भी वो पति पत्नी के रूप में रहे। ठीक है, लास्ट के समय में सीता को रावण ले गया, लेकिन सीता के यहाँ कोई संतान नहीं है, राम के यहाँ कोई संतान नहीं है, उनको कभी इस चीज़ की पीड़ा नहीं हुई होगी, क्योंकि लक्ष्मण जैसा जिसका आज्ञाकारी छोटा भाई हो, उसको वात्सल्य की कमी कभी हो ही नहीं सकती है। यहाँ महर्षि वाल्मीकि ने जिस प्रकार के भावों के साथ राम और लक्ष्मण का प्रेम अभिव्यक्त किया है, हर बड़े भाई के लिए
और हर छोटे भाई के लिए ये आदर्श है। साधु लक्ष्मण मन तुष्टोस्मि कर्मणा सुकृतम कृतम। राम लक्ष्मण से कहते हैं कि वाह लक्ष्मण, मैं आज बड़ा ही प्रसन्न हुआ हूं क्योंकि तुमने एक बहुत महान कार्य किया है। रावणे ही विनाशे ने जित मित उपधारे। भाई जिस चीज की कल्पना नहीं की जा सकती है, लोग जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। इंद्रजीत कैसा योद्धा था, मैंने आपसे कहा कि सभी देवता गंधर्व किन्नर यक्ष उनको पराजित करने वाला तो इंद्रजीत था। रावण तो कभी युद्ध के लिए गए ही नहीं, उनके सामने जरूरत ही नहीं पड़ी है। तो उस मेघनाद को तुमने मारा, वाह। राम प्रशंसा करते हैं, सतम सिरम उपाघ्राय लक्ष्मणम लक्ष्मीवर्धनम लज्जमानम बलात् स्नेहात् अंकम आरोप्य वीर्यवान। महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि राम ने पहले उन विजयी लक्ष्मण का मस्तक चूमा है, उनके माथे को चूमने के बाद लक्ष्मण इतने सारे वानरों के बीच में बड़े भाई इस प्रकार से जब स्नेह दिखा रहे हैं, अपना प्यार जता रहे हैं, उनके माथे को सूंघ रहे हैं, तो लज्जमानम शर्मा जाते हैं लक्ष्मण। लेकिन राम फिर भी बलात् स्नेहात् अंकम आरोप्य वीरवान, जबरदस्ती उनको खींच करके अपनी गोदी में बिठाते हैं। महर्षि वाल्मीकि स्पष्ट लिखते हैं, बलात् स्नेहात् अंकम आरोप्य वीरवान, अपने अंक में अपनी गोदी में बिठाते हैं, उपवेश से समुत्संगे। और स्पष्ट लीजिए, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं अपनी गोदी में बिठा करके परिस्वज्याव पीड़ितम, और बार बार उनका आलिंगन करते हैं, बार बार उनको गले से लगाते हैं। भ्रातरम लक्ष्मणम स्निग्धम पुनः पुनः उदैक्षत, और बार बार लक्ष्मण को ऊपर से नीचे तक देखते हैं क्योंकि घायल हुए पड़े हैं, पूरे शरीर से खून बह रहा है, खून से लथपथ हैं, हालत ऐसी है कि दो लोगों का सहारा लेकर के हैं यहां तक पहुंचे हैं। शल्य संपीड़ितम शस्तम निश्वसंतम तु लक्ष्मणम रामस्तु दुख संतप्त तदा निश्वसित हो। अब लक्ष्मण को जब इस प्रकार से पीड़ित देखते हैं, दर्द हो रहा है, लक्ष्मण कराह रहे हैं, ऐसी स्थिति एक प्रकार से है, तो रामस्तु दुख संतप्त तदा निश्वसित हो। ऐसे में राम को अत्यंत पीड़ा हुई, अत्यंत दुखी हुए हैं और लंबी श्वास लेते हैं कि ये क्या हुआ है। मूर्धनि चैनम उपाग्राय, फिर से उनका माथा सूंघते हैं, भूया संस्पृश्य च तुरन, और बार बार उनके अंगों पे हाथ फेराते हैं जैसे कि हाथ फेरने से पीड़ा कम हो जाएगी। बालक को लग जाए तो माता जिस प्रकार से करती है, उसका पिता जिस प्रकार से करता है, यहाँ बड़े भाई या छोटे भाई वाली तो स्थिति ही नहीं है। हम इस प्रकार का भाइयों का स्नेह तो कहीं समाज में पाते ही नहीं है जिस प्रकार का ये स्नेह है। तो बार बार हाथ फेरते हैं। उवाच लक्ष्मणम वाक्यम आश्वास्य पुरुषार्थम। अब लक्ष्मण को आश्वासन देते हुए राम कहते हैं, कृतम परम कल्याणम कर्मम दुष्कर कर्मणा। अरे भाई, तुमने अत्यंत ही ना कर सकने योग्य, अत्यंत कठिन दुष्कर कार्य को और हंसते हंसते कर दिया है। अद्य मन्ने हते पुत्रे रावणम निहितम यदि, आज जब तुमने रावण के पुत्र को मार दिया है तो मुझे ये लग रहा है कि युद्ध में रावण ही मर गया है। इस प्रकार से जब आप किसी के कार्यों की प्रशंसा करते हैं ना, तो उसकी कार्य करने की जो थकान है, जो पीड़ा है, उसमें जो कुछ उसने श्रम उठाया है वो खत्म हो जाता है। दत्तम खेत वेतनम अस्य परिखेदस्य, इस प्रकार की स्थिति आती है। तो राम यहां लक्ष्मण की प्रशंसा कर रहे हैं और फिर कहते हैं, अद्याहम विजयी शत्रु हते तस्मिन् दुरात्मनि, आज उस मेघनाद के मरने के बाद मुझे स्पष्ट ये एहसास हो रहा है कि मैंने शत्रुओं के ऊपर, अपने शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। रावणस्य नृशंसे दिष्टया वीर त्वया रणे, आज तुमने सिर्फ मेघनाद को नहीं मारा है, तुमने रावण को रणभूमि में जीत लिया है। इस प्रकार से तरह तरह से राम लक्ष्मण को समझाते हैं, समझाते तो क्या है, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। फिर सुषेण को बुलाते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सुषेण जो है वो रावण की लंका का वैद्य सुषेण नहीं है। महर्षि वाल्मीकि ने ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया है। महर्षि वाल्मीकि ने इस उल्लेख में स्पष्ट शब्दों में ये कहा है, सुषेणा हरियूथपा, वानरों की सेना का वो एक सेनापति है। यूथप, मैंने आपको पहले भी बताया था
कि ये जो हैं सुग्रीव के ससुर हैं, लेकिन ये वैद्य का कार्य जानते हैं और उन्हीं ने आज्ञा देकर के हनुमान के पास से वो पर्वत तो नहीं मंगाया था, मंगाई तो जड़ी बूटियां थी लेकिन ले आए थे। उसमें चार प्रकार की जड़ी बूटियां थी, एक थी मृत संजीवनी जो मरे हुए को जिंदा करते उसको मृत संजीवनी कहा जाएगा, एक थी विशल्यकरणी जो पीड़ा को दूर करती है, जैसे गोली लगी हो तो ऐसे पीड़ा दूर नहीं होगी, पहले वो गोली निकलेगी, तो जो बाण वगैरह लगे हों उनको जो निकाल दे उसको विशल्यकरणी कहा जाएगा। और फिर एक जो पीड़ांतक का काम करती थी कि व्यक्ति को, और एक थी संधान, तो संधान का अर्थ ये कि हड्डी वड्डी टूटी हो तो वो जुड़ जाएंगी, विशल्यकरणी का अर्थ होगा कि भाई सारे घाव वाव जो हैं अंदर जो कुछ है ऑपरेशन करके जो कुछ करना है वो सारी चीज़ें उससे हो जाती हैं। और आनंद की बात ये है कि ये कोई प्रक्रिया नहीं करनी है, ये जड़ी बूटियाँ खाली सुंघाई जाती हैं। यहाँ पे वर्णन किया है रामा सुषेणम मुदिता सभाम भाष्येद अब्रवीत, रावण सुषेण को बुला करके और सभा के बीच में ये कहते हैं सशल्यो यम महाप्राग्ने सौमित्र मित्र वत्सला, अरे मित्र ये जो लक्ष्मण हैं इस प्रकार से घायल हुए हैं, यथा भवति सुस्वस्था तथा तुम समुपाचर, भाई जैसे ये स्वस्थ हो जाएं ऐसा कुछ उपाय करो। विशल्या क्रियताम क्षिप्रम सौमित्र ही सविभीषण, इन लक्ष्मण को और विभीषण को दोनों को जल्दी से तुम विशल्य बना दो, विशल्य यानी जिनके घाव भर जाए जिनको पीड़ा ना रह जाए। रक्ष वानर सैन्या नाम, जो वृक्षों की और वानर की सेना है जिनके साथ इस प्रकार से युद्ध भूमि में घायल हो गए हो उन सब के लिए भी तुम्हें ये उपाय करना है। लक्ष्मणाय ददौ नस्तः सुषेणः परमौषधम, यहाँ पे स्पष्ट महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि सुषेण ने तब लक्ष्मण को नस्य, नस्य बोलते हैं सुंघाना सुंघना, जैसे अभी अगर सर्दी वगैरह खांसी वगैरह बहुत हो गई, कफ बहुत जम गया हो तो निम्बुलाइजेशन वगैरह जो होता है एक मास्क जैसा पहना करके और मशीन चालू कर देते हैं उसमें से धीरे धीरे श्वास जाता रहता है और वो अंदर तक उसकी असर होती है, तो यहाँ पे उसी प्रकार से लक्ष्मण को नस्ता काटा पीटा नहीं गया है, खाली उस सुंघाई गई है। सा तस्या गंधमाग्राय विशल्या संपद्यते, और उसकी सुगंधी को सूंघने से ही लक्ष्मण विशल्य हो गए, उनके सारे घाव भर गए हैं। वर्ण देखिए तथा निर्वेदनश्चैव संरूढ़ ब्रढ़ एव च, जितने बाण बाण शरीर में लगे हुए थे वो अपने आप निकल गए हैं, गोली लगी हो तो गोली का निकल जाना, और संरूढ़ ब्रढ़ एव च, और जो घाव थे वो भी भर गए हैं। विभीषण मुख्या नाम ससुरदाम राघव आ गया, जैसी राम ने आज्ञा दी थी विभीषण वगैरह का भी उसी प्रकार से इलाज किया गया है, मुख्य मुख्य वानर युद्धपतियों का भी उसी प्रकार से इलाज किया गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि मेघनाद की मृत्यु के बाद राम की सेना को जो भी नुकसान हुआ था सुषेण ने उसकी भरपाई कर दी है, आज वो सब स्वस्थ हो गए हैं और इस प्रकार से राम की सेना फिर से तरोताजा है। विशेष करके राम ने जिस प्रकार से यहाँ लक्ष्मण के प्रति अपना स्नेह व्यक्त किया है, जिस प्रकार से उनको अपनी गोद में बिठाया, देखिए लक्ष्मण राम से बहुत छोटे नहीं है, हैं आकृति वगैरह में भी लक्ष्मण राम से बहुत छोटे नहीं है, भाई दोनों की उम्र में भी बहुत बड़ा अंतर नहीं है, कुछ दिनों का ही अंतर होगा, एक आध दिन का है, हो सकता है घंटों का ही अंतर हो, लेकिन छोटा छोटा होता है और बड़ा बड़ा होता है। और ये जो प्रेम यहाँ व्यक्त किया है ये पराकाष्ठा का है। मैं ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि हर बड़ा भाई अपने छोटे भाई को इसी प्रकार से स्नेह करे और हर छोटा भाई अपने बड़े भाई का इसी प्रकार से आदर करे, यही हमारी वास्तविक भारतीय संस्कृति है। हम रामायण काल में जिए महाभारत काल में ना जिए जहाँ भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। धन्यवाद, आगे की कथा अगले वीडियो में सुनाऊंगा। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति, रम्या रामायणी कथा सुना रहा हूं। कथा प्रसंग अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। देखिए बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो तुलसीदास ने अपनी रामायण में अलग ढंग से प्रस्तुत किए हैं, मैंने समय समय पर आपसे कहा है। तुलसीदास ने जब रामायण लिखी है तब तक बहुत सारी और रामायण लिखी जा चुकी थी,
एक वाल्मीकि रामायण भी उनके सामने नहीं थी, इसके स्पष्ट उदाहरण पाए जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि वाल्मीकि ने कहीं पे भी अपनी रामायण में रामेश्वर की स्थापना नहीं की है। वाल्मीकि के जो राम हैं वो शिव भक्त नहीं हैं, शिव से परिचित हैं, शिव देवाधिदेव हैं, इस चीज को अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन वो शिव भक्त नहीं, विष्णु भक्त हैं, वैष्णव हैं। और तुलसीदास तो शिव को राम का और राम को शिव का भक्त बताते हैं। तो कुछ चीजें समय और स्थान के हिसाब से उनकी जरूरत होती है उस प्रकार से। इसी प्रकार से सुषेण वैद्य वाली जो कथा है, या मेघनाद की शक्ति लगने से लक्ष्मण का बेहोश होना और फिर हनुमान का उसके लिए संजीवनी बूटी लाना, पहले तो लंका से जाके सुषेण वैद्य को लाना, ये सारी कथाएं जो हैं तुलसीदास के रामचरितमानस में हैं। लेकिन रामायण में इस प्रकार से ये कथाएं, वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार से ये कथाएं नहीं पाई जाती हैं। तो आनंद लीजिए, तथ्यों को जानिए। धन्यवाद।